भौतिक जीवन। लॉस एंजेलिस में एक कक्षा के दौरान एक नाम पट्ट पर लिखे फिल्म के नाम के विषय में प्रभुपाद ने टिप्पणी की। इस फिल्म का शीर्षक था इज देयर सेक्स आफ्टर डेथ, क्या मृत्यु के उपरांत मैथुन रति सुख संभव है। इसलिए प्रभुपाद, चूँकि भौतिक जीवन का अर्थ है काम बसाना, इसलिए ये लोग मृत्यु के पार भी वासना ढूंढ रहे हैं। ये भौतिकतावाद जीवन की सहज स्वीकृति है। ये पूछ रहे हैं क्या मृत्यु के उपरांत काम है, क्योंकि अगर मृत्यु के पार भी रति सुख है तब वह मृत्यु से भयभीत नहीं है। एक कहानी है कि एक आदमी शराब पीता था। शराब पीना मदपान भारत में घोर पाप माना जाता है। अतः उसके मित्र ने उसे सलाह दी, तुम मदपान करते हो इसलिए तुम नरक में जाओगे। उसने उत्तर दिया, मेरे पिता भी मदपान करते हैं। तब उसके मित्र ने कहा, तब तुम्हारे पिता भी नरक के भोगी होंगे। उसका प्रत्युत्तर था, मेरा भाई भी मदपान करता है अतः वह भी नरक जाएगा। इस पर वो कहता ही रहा कि मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा यह संबंधी, मेरा वह संबंधी, मेरा और उसका मित्र उत्तर दिए जा रहा था, हाँ वह भी नरक जाएगा। तो उस आदमी ने कहा, आह तब तो नरक स्वर्ग के समान होगा, क्योंकि यदि हम सभी लोग सभी इस लोक में मदपान कर रहे हैं तब हम लोग परलोक में भी मदपान ही करेंगे, फिर नरक क्या है, वो तो स्वर्ग है। इसी प्रकार यह नामपट वैसा ही है। यदि मृत्यु के पार काम बसना हो तो भौतिकतावादियों के विचार में वो मृत्यु नहीं है अपितु जीवन है। वस्तु तो मृत्यु के उपरांत उन्हें रति सुख प्राप्त होगा ही, क्योंकि दूसरे शरीर धारण कर लेंगे। अभी मनुष्य जन्म में अपने भव्य आवासों में सड़कों पर अथवा समुद्र तट पर जैसी उनकी कामना हो रति सुख भोग रहे, अपने अगले जन्म में वो कुत्ते बिल्लियों के रूप में काम भोग करेंगे। जब अगला जन्म निर्धारित है तब काम बसना को भी अस्वीकृत नहीं किया जाए। ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद।